दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के बाद अब टीम इंडिया को इस मैच में जीत के लिए सिर्फ 7 विकेट की और जरूरत है, और जिसकी वजह से खिलाड़ियों का एग्रेशन और कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पर है, जिसका एक नजारा देखने मिला मोहम्मद सिराज और डीन एल्गर के बीच, जहां पर सिराज ने एल्गर की बोलती बंद करके रख दी। दोस्तों साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के 38वें ओवर के दौरान जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे, तब ओवर की पहली बॉल मोहम्मद सिराज के हाथों से स्लिप हो गई और डीन एल्गर ने इस बॉल पर चौका लगा दिया, जिसके बाद सिराज ने ओवर की अगली बॉल एल्गर को एक शानदार यॉर्कर डाली, जिस पर वो LBW आउट होते होते रह गए। जिसके बाद मोहम्मद सिराज डीन एल्गर के पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि मेरी इन बॉलों पर भी शॉट खेल कर दिखाओ, लेकिन एल्गर के पास ना ही सिराज की बातों का जवाब था और ना ही उनकी गेंदबाजी का। दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ।